कक्षा दसवीं का हिंदी क्षितिज काव्य खंड में सार कविता छाया मत छूना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके जो कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीवन परिचय हम देखते हैं कि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था और आपकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी और प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में प्राप्त करने के बाद आपने एमए अंग्रेजी में व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की और शुरू में कुछ समय आपने वकालत भी की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में आपने कार्य किया और आपका निधन 1994 में हुआ। आपकी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें से प्रमुख है नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा और काव्य संग्रह है आपका जन्म कैद और आपने एक नाटक को भी लिखा जिसका नाम है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे जो है हमारा छाया मत छूना का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। क्या है कि इस कविता में मनुष्य को छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी गई है और ये छायाएं हैं पुरानी यादें और बड़े बड़े सुनहरे सपने। कवि कहते हैं कि पुरानी यादों और बड़े सपनों से जीने में दुख पड़ता है। माना कि पुरानी यादें सुहावनी होती हैं और उनकी मीठी मीठी यादों में जो बीते हुए क्षण क्या है जीवित हो उठते, परंतु वे हमारे अभावों को क्या कर देती है और बढ़ा देती ताजा कर देती है। इसलिए हमें उनसे बचना चाहिए क्योंकि इस संसार में यश वैभव मान संपत्ति सब सपने हैं, ये सब छाया है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ऊंची संपन्नता प्रभुता को प्राप्त करना ही व्रत कृष्ण के समान है, हर सुख में एक दुख छिपा है। इसलिए सपने में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, कुछ कमियां हैं, अभाव है, तो भी उनको भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं या पुरानी यादों को भूलकर ही वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि वह हमको कष्ट नहीं देता। फिर है पद दूसरा, आज इसका वाचन करेंगे। पद दो का हम आज हमारे साथ साथ आप भी करिए कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। यश का मतलब होता है सम्मान, वैभव का सुख साधन, मान का इज्जत, सरमाया का पूंजी, धर्माया भटका हुआ, प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़पन का एहसास या बड़े होने का बोध, मग तृष्णा मृग तृष्णा झूठा भ्रम, चंद्रिका चांदनी, तृष्णा काली, यथार्थ मतलब सत्य तथ्य या सामने जो हमारे सच है वह फैला हुआ सच। अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ बच्चों आपको पता होगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता छाया मत छूना से।
सभी गिरिजा कुमार माथुर हैं। अब है प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, ना चाहते हैं कि इस संसार में धन और वैभव के पीछे भागना बेकार है, सब झूठ है, मिथ्या है, भ्रम है, क्योंकि बीते समय की सुखद कल्पना को छोड़कर कठोर यथार्थ का सामना करने की बात भी कवि कहते हैं। अब इसका भावार्थ या व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि इस संसार में, क्या कहते हैं कवि, कि इस संसार में ना यश मतलब ना तो सम्मान का कोई मूल्य है और ना धन वैभव मतलब सुख साधन का, ना तो इज्जत से कोई संतुष्टि मिलती है और ना ही धन पूंजी से, अर्थात ये सब कुछ स्थिर नहीं है, ना यश स्थिर है, ना सम्मान, ना धन वैभव सुख साधन मान सम्मान इज्जत संतुष्टि, ये सब क्या है, यह सब आते जाते हैं, स्थिर नहीं है। आज है, कल कुछ कमी हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कमी आ जाएगी। तो ये सब कवि क्या बोलते हैं कि ये सब चीजें क्या है, संसार में अस्थिर है, स्थिर नहीं है। फिर भी मनुष्य क्या है, इन सब के पीछे भागता है और मनुष्य इन सब के पीछे जितना दौड़ेगा उतना ही भटकता जाएगा। बड़कपन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है। हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। इसका तात्पर्य यह है कि हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। सुख का समय चिरंतन नहीं होता, मतलब हमेशा सुख नहीं रहता, ना हमेशा दुख रहता है। यह का क्या है, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। उस सुख की समाप्ति होनी है और दुख के क्षण भी आने हैं, कभी ना कभी क्या है, सुख खत्म होगा तो दुख आएगा। इसलिए कल्पनाओं और छायाओं में सुख खोजने की बजाय जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना कर उन्हें सच मानकर अपनाएं, उन्हें ही स्वीकार करके उनके बीच से जीने का रास्ता निकालें। गलती से भी छायाओं को मत छूना, कल्पनाओं के संसार में मत भटकना, उससे तो दुगना दुख होगा और मन में अभाव ही अभाव जाग जाएंगे। अब इसका सौंदर्य बोध है इस पद का, मृग तृष्णा का प्रतीक कार्य है झूठे आकर्षकों के पीछे भ्रमित होना, तत्सम शब्दों का प्रयोग, सुंदर प्रतीक योजना, काल्पनिकता से बाहर निकलकर वास्तविकता को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है। अब हम इसी पद से कुछ प्रश्न उत्तर है, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। अब हम उन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला है कि मृग तृष्णा का आशय स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पर मृग तृष्णा किसे कहा गया है। इसका उत्तर है, तप तपाती धूप में रेगिस्तान में दूर पानी का एहसास हो और प्यास से त्रसित मृग उसे पानी समझकर भटकता रहता है, और मनुष्य के लिए मृग तृष्णा उसी यश वैभव सम्मान धन मिलने की कामना है जिसके लिए वह जिंदगी भर भटकता ही रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, अधूरा का अधूरा बना रहता है। रेगिस्तान में रेत ही रेत है और जब धूप रेत पर पड़ती है तो मृग क्या सोचता है, रेत जब चमकती है तो मृग सोचता है कि वहां पर पानी है, तो वो भागता जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए कि वहां पर देखो मेरे को पानी मिलेगा। लेकिन क्या है, वह सब भ्रम है। इसी तरह कवि कहते हैं कि मनुष्य भी मृग तृष्णा क्या है, यश वैभव सम्मान धन पैसा इज्जत इन सब के पीछे
दूसरा कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि किस तथ्य को बताना चाहते हैं। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है का आशय है कि मानव जीवन में सुख के बाद दुख की काली छाया भी सामने खड़ी रहती है। जब चांदनी रात मनुष्य के सुख का प्रतीक है तो काली रात दुख का, अतः दोनों स्थितियों में जीने के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए और बहादुरी से क्या करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना आत्म बल नहीं कम करना चाहिए। फिर है व्यक्ति को कठिन यथार्थ का पूजन क्यों करना चाहिए। मनुष्य को यथार्थ से पलायन ना कर यथार्थ का सामना करना चाहिए, जिससे साहस से यथार्थ की कठिनाइयों का सामना नहीं करते, वे परेशानियों से और अधिक गिरते जाते हैं और अंत में निराशा उनके सामने होती है। फिर मैंने छाया शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त किया है, तो छाया शब्द झूठी दिलासा और कपोल कल्पनाओं के लिए प्रयुक्त हुआ, जो एक क्षण के सुखद का एहसास कराती है और वास्तविकता कुछ नहीं रहती। कवि ने यश वैभव मान को किसके समान बताया है, अभी हमने पढ़ा है मृत कृष्णा, तो कवि ने यश वैभव और मान को केवल मृत कृष्णा कहा है क्योंकि ये वास्तविक नहीं है और इनका कोई अस्तित्व भी नहीं, यह क्षण भंगुर है और नश्वर है क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये स्थिर भी नहीं है, इसलिए कवि ने इनको मृग तृष्णा कहा है। अब हम पढ़ेंगे पद तीन, पद तीन इसका वाचन करेंगे हम। हाँ। दुविधा, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे कि पूजन का अर्थ है पूजा करना, अर्चना करना, उपासना करना, दुविधा हत मतलब दुविधा के कारण साहस खत्म हो जाना या दुविधा के कारण साहस का नष्ट हो जाना, पंथ रास्ता देह शरीर तन या काया, शरद सर्दी अशीत रस बसंत रसीली ऋतु बसंत, वरण मतलब स्वीकार करना या उसको अपनाना। अब इसके संदर्भ को पढ़ेंगे तो संदर्भ वही है कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक चिंतित में संकलित छाया में छूना से ली गई है, इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर है। प्रसंग है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो नहीं मिल सका उसका दर्द उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसे आने वाले समय की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए जीना चाहिए, ना कि पुरानी यादों में अपना समय बिताना चाहिए। अब इसका व्याख्या या भावार्थ है कि कवि कहते हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि माना तुम्हारा साहस मन की दुविधाओं के कारण नष्ट हो गया है, किंतु सफलता मिलेगी या असफलता, यह मार्ग ठीक है या गलत, इन्हीं दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो गया है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चाहे तुम शरीर से सुखी हो परंतु मन में अंतहीन दुख भरे हैं। अर्थात
चाहे तुम शरीर से सुखी हो, परंतु तुम्हारे मन में क्या बहुत से दुख भरे हैं जिनका की कोई अंत नहीं है। अर्थात सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम और तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है। तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद की रात आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। तात्पर्य है कि खुशी के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न न हो सके, और यदि रसमय बसंत के चले जाने पर फूल खिले तो उन फूलों का क्या लाभ। माना कि तुम्हें उचित अवसर पर उचित प्रसन्नता नहीं मिल पाई, फिर भी तुम इन असफलताओं को भूल जाओ और अपने आने वाले समय को संवारने का प्रयत्न करो। अर्थात वर्तमान का सामना करते हुए अपना भविष्य संवारने में जुट जाओ। मन में बसी यादों और कल्पनाओं में ना जीते रहो, अपने वर्तमान को स्वीकार करके आगे बढ़ो और अपना खुश होकर जीवन व्यतीत करो। अब इसका काव्य सौंदर्य है। पहला कि सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, संगीत मक्ता है और सुंदर प्रतीक योजना है। अतीत की स्मृतियों से बाहर निकलकर भविष्य को संवारने पर अत्यधिक बल दिया गया है। क्यों अतीत की स्मृतियों से निकलना? क्योंकि अगर हम अतीत की स्मृतियों में ही रहेंगे तो आज आने वाले कल में भी दुखी रहेंगे और आगे आने वाले समय का हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब है इस पद के जो प्रश्न है, पहला है छाया मत छूना का क्या अर्थ है। उत्तर है इस प्रश्न का अर्थ है कि कल्पना का या अवास्तविकता की दुनिया से बचना। सपनीली सुनहरी कल्पना, सपने की दुनिया से निकलकर यथार्थ की दुनिया में रहना। फिर दूसरा, कवि ने व्यक्ति के मन में छिपे किस दुख की बात की है। तो मनुष्य के मन में अभावों का दुख है, जो कमियां हैं उनका दुख है। उसे लगता है कि उसकी ठीक समय पर आकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। क्या उसकी समय रहते जब जिस चीज की जरूरत थी वह अपनी उन जरूरतों को उस समय पर पूरा नहीं कर पाए। फिर है जो ना मिला भूलकर उसे कर्तु भविष्य और इनका आशय स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति को जो नहीं मिला उसका दर्द भूल जाना चाहिए और उसे आने वाले समय की ओर आशा बहुमूल्य दृष्टि से देखते हुए जीना चाहिए। देह सुखी होने पर भी मन के दुख का अंत क्यों नहीं होता। व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है और उसके जीवन में भौतिक सुखों का भी कोई अभाव नहीं होता, फिर भी उसके जीवन में ऐसी अनेक आपदाएं और चिंताएं होती हैं जिनसे वह मुक्त नहीं हो पाता। इसी कारण कवि ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। इस काव्यांश में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता छाया मत छूना के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने विगत सुखमय दिनों की याद नहीं करना चाहिए। विगत मतलब जो बीत गया है उन दिनों की याद नहीं करनी चाहिए। वह अपने जीवन में जिन उपलब्धियों को अर्जित नहीं कर पाया उसके लिए वह दुखी रहकर वर्तमान को भी दुखमय नहीं बनाना चाहिए। और जिन वस्तुओं को, जिन उपलब्धियों को वह प्राप्त नहीं कर पाया उनको भूलकर मनुष्य को वर्तमान के यथार्थ को स्वीकार करते हुए अपना भविष्य संवारना चाहिए, ना कि पुरानी यादों में रहकर अपना समय